में पिछले कुछ दिनों से आपका खूब तांडव देखने को मिल रहा है। हाल ही में मक्खन माजरा में स्थित कबाड़ी मार्केट में कबाड़ गोदाम को रविवार देर रात आग ने अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग इतनी विकराल थी कि उस पर आसानी से काबू पाना मुश्किल था। जानकारी के मुताबिक मक्खन माजरा की कबाड़ी मार्केट में देर रात्रि 10:30 बजे आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने काफी मशक्कत करने के बाद सोमवार सुबह तक आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार कबाड़ का काम करने वाले नंद कुमार ने बताया कि उनका मक्खन माजरा में ले एन के ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर कबाड़ी का काम करते हैं और वह सेक्टर 9 पंचकुला में अपने परिवार समेत रहते हैं। नंद कुमार ने बताया कि हर रोज रात की तरह वह अपने घर वापस चले गए थे। उन्होंने बताया रविवार रात करीब 10 बजे मक्खन माजरा से किसी का फोन आया कि उनके कबाड़ पर भयंकर आग लग गई है। यह सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने गोदाम पर पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि उनका गोदाम भयंकर आग की चपेट में आ चुका है। बताया जा रहा है कि जिस कबाड़ के गोदाम में आग लगी है, ठीक उसी के पिछली साइड एक कार का गोदाम है, जिसमें सैकड़ों से ज्यादा नई गाड़ियां खड़ी रहती हैं। आग लगने से यहाँ कई जल कर राख हो गई। फिलहाल आग किन कारणों से लगी, पुलिस इसकी जांच में लगी हुई है। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।